हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? और यहाँ पे दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ। आज मैंने खाना तो जल्दी बना ली थी, जैसे कि मैंने सुबह नाश्ते के टाइम ही बना ली थी क्योंकि मुझे बाहर जाना था, तो इसके लिए मैंने सुबह ही खाना बना ली थी। तो आज मैंने खाने में बनाई थी भाजी और रोटी। तो यहाँ पे मैंने आलू की भाजी और रोटी बनाई थी, बस ये बना के और नाश्ता बच्चों को दे के चली गई थी। कुछ काम था मुझे, तो अभी मुझे पता था मैं आऊँगी तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सुबह ही खाना बना ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आलू की भाजी। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई हूँ क्योंकि हमेशा मसाला वसाला खा खा के भी इंसान तंग आ जाता है, तो बस मैं ये इसे आज ये एकदम सादी सी भाजी बनाई। ये बहुत अच्छी बनती, बहुत टेस्टी बनी, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दे पाई क्योंकि मुझे बाहर जाना था और मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको रेसिपी देती, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोग को ये रेसिपी दूँगी और आप भी ट्राई करना और आप मुझे बताना ये भाजी कैसी लगी। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एक रोटी रख के थोड़ी थोड़ी भाजी निकाल दी हूँ, और क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं दूंगी नहीं तो ये लोग नखरे करेंगे खाने में, इसके लिए मैंने एक एक रोटी दी। अगर खा लिए तो फिर और दे दूंगी। तो बस यहाँ पे बच्चे लोग अभी बाल बाल काट के आए और नहा धो के बैठे थे, तो यहाँ पर मैं अभी उनको खाना दे दे रही हूँ। तो ये लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं भी कुछ खा लूँगी क्योंकि मैंने सुबह से निकली हूँ। आज कुछ काम वाम मतलब ज़्यादा नहीं हो पाया था, जो सुबह मैं कर लेती बस उतना ही काम करी थी और मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं करी थी, ऐसे ही चली गई थी। तो मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी, लेकिन मैं थोड़ा रुक के खाऊंगी क्योंकि सभा भी अभी खाना नहीं खाने बोल रही है, तो मैं उसके साथ ही खा लूँगी। तो यहाँ जो कुछ है, मैं अभी पहले बर्तन धो लेती हूँ सुबह चाय नाश्ते के, और उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। तो यहाँ सुबह की चाय बची हुई थी, वो भी चाय मेरी थी जो मैंने नहीं पी थी, तो मैं उसे निकाल लेती हूँ, बाद में इसे मैं गर्म करके पी लूँगी क्योंकि मैं ताज़ी चाहिए तो मैं इसे फेंकूँगी नहीं, तो मैं इसे अभी रख देती हूँ। तो बस ये तपेली भी मैंने घसने के लिए ले ली हूँ, और जो जो बर्तन मुझे घसना है वो मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ मैंने सभा से पूछ रही हूँ कि सभा खाना खाएगी, तो सभा बोली नहीं अम्मी मैं बाद में खाऊँगी। तो बस कोई बात नहीं, अभी वो जब खाएगी जब मैं उसके साथ खा लूँगी। तो यहाँ मैं अपने बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। तो बस इसी तरह होता है मेरे साथ, कभी ऐसा हो जाता है कुछ काम निकल जाए, जैसे कि बच्चों का निकल जाता है या कुछ मेरा निकल जाता है काम, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो बस यही सब लगा रहता है सुबह से शाम। तो बस यहाँ मैं बर्तन धो के ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं पहले थोड़ा काम निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन धो ली हूँ और अभी मैं खाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि अभी सभा नहीं खाने बोल रही है, मगर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी तो मैं पहले खा लेती हूँ, वरना मुझे चक्कर आने लगेंगे और मुझसे खाने मतलब मुझसे फिर कुछ काम भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैंने भाजी जो रखी थी वो मैंने खाली कर ली छोटी तपेली में, और ये कढ़ाई को मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरी बचपन से आदत है कढ़ाई और तपेली अगर वो खाली करती थी मेरी अम्मी तो मैं उसमें चावल डाल के साफ़ ज़रूर करती थी, तो बस वही आदत है मुझ में अभी भी। तो बस वही मैंने कढ़ाई को भी साफ़ कर ली और अच्छी तरह से आलू डाल के यानी कि भाजी मिला के मैंने उसे अच्छी तरह से चावल मिक्स करके निकाल ली हूँ। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से चावल सभा के लिए निकाल ले रही हूँ और थोड़े से मैं खा लूँगी, लेकिन वो बोल रही मैं अभी नहीं खाऊँगी। तो बस यही बच्चों का नाटक चलता रहता है, ये लोग खाने में बहुत कतराते हैं। आप लोग बोलोगे कि माशाल्लाह बच्चे कितने अच्छे हैं, और मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो नहीं जी, आप लोग को मैं सही बता रही हूँ, ये लोग खाने में बहुत मुँचोर है, बिल्कुल नहीं खाते पीते, इनके पीछे पड़ना पड़ता है मुझे। तो बस यहाँ मैं अभी अपनी प्लेट लेके बैठ गई हूँ और यहाँ मैंने सभा के लिए भी निकाल दी हूँ, और उसे मैं बार बार बोरी खा ले, लेकिन वो बोरी मैं बाद में खाऊंगी। तो चलिए इनका तो नाटक चलता ही रहेगा, मैं खा लेती वरना इनके पीछे मैं परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ बच्चे लोग अभी खेल में लग गए हैं, तो मैंने सोहेल से बोली मुझे पानी दे दे क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने पानी भी नहीं लेके बैठी। तो बस सोहेल अभी पानी लेने चला गया, और बस मैं अभी फटाफट अपना खाना खा लेती हूँ और थोड़ा सा मैं आराम कर लूँगी, फिर मैं शाम के टाइम उठ के जो भी मेरा डिनर करेगा वो बना लूँगी। तो चलिए फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ बाद में।
चलिए यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है और अभी मेरे को पकाने की तैयारी करना है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ। देखो देखो ये मेरे बच्चे लोग मुझे हंसाते हैं जब भी मैं आप लोग से बात करती हूँ ऐसा, तो ये लोग मुझे हंसाते। देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ ये लोग कैसे लेते हुए, ये देखिए ये सोयल लेता है और ये सैफ है और सबा इधर उधर घूम रही है। जब भी मैं कभी भी आप लोग से बात करूँगी ये लोग मुझे ज़रूर हंसाते हैं। तो चलिए अभी यहाँ सारा काम हो चुका जैसे कि आप लोग को बताई, बर्तन भी धो ली, दोपहर का खाना भी हो गया। तो अभी शाम हो रही है, शाम के बज रहे हैं 7:15, तो मैं अभी पकाने की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं पकाने जा रही हूँ, क्या बनाने जा रही हूँ सबा? हाँ सॉरी, दाल और पालक, या पालक दाल का हो आप या दाल और पालक, बस ये मुझे बनाना है। और रोटी तो अभी काफ़ी बची हुई है तो रोटी नहीं बनाऊंगी, और क्या बनाना है मुझे, चावल, बस यही बनाना है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ मैं कैसा बनाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं पंखा बंद है लेकिन मेरे एग्जॉस्ट की हवा आ रही है, इसमें आप लोग को आवाज़ लग रही होगी। ये देखिए दोनों बने तो सिर्फ एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। घर इतना गर्म हो जाता आप देख सकते हैं, एक तो ऐसे ही मेरा मुंह ऊपर से पसीने ही, देख सकते हैं अब यानी पसीना कितना हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं हम आपके लिए। आप मेरा वीडियो देखना, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए मुझे थोड़ा सा बता दिया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ मगर मुझे उसमें कुछ भी एक मतलब वो कहते नहीं मेहनत तक का तो इंसान को मिलना चाहिए, मुझे तो मेहनत का भी नहीं मिल रहा है, मुझे ज़रा भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग से बोलती हूँ प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो फैमिली बहुत छोटी है, अभी मेरे ज़्यादा क्या कहते हैं, चलिए छोड़िए, अभी ज़्यादा मेरी फैमिली में कोई नहीं है, जितने भी हैं वही लोग देख लेते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी हम पकाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका एक एक वक्त बहुत कीमती होता है और मैं आप लोग का टाइम ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट आप लोग को रेसिपी बताती हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर मतलब मुझे नहीं मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए यहाँ किचन में मैं आ गई हूँ और आप लोग को बता देती हूँ ये रेसिपी कि जैसे कि मैंने आप लोग को बोली दाल और पालक बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने पालक अच्छी तरह से वॉश करके कट करके रख दी हूँ, और ये एक गड्डी पालक है, और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के दो कांदे ले ली हूँ, और 8-10 मैंने हरी मिर्ची ले ली, मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही होगी कि मेरे पास इतनी बची थी तो वो भी मैंने कट कर ली, और ये मिर्ची तेज़ नहीं है, और मैंने एक कड़ी पत्ता ले ली हूँ और मीडियम साइज़ के दो टमाटर ले ली हूँ, और यहाँ पे मैंने ज़ीरा तेल भी ले ली हूँ जो मुझे ज़रूरत लगेगी अभी पकाने में। और यहाँ मैं आप लोग को बता दी हूँ कि मैंने दाल भी ले ली हूँ, और दाल मैंने तुअर की ली हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कुकर रख दी हूँ गर्म होने के लिए, उसमें तेल डाल दी हूँ मैंने, और अभी अब पकाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं तड़का लगा लेती हूँ, और तड़के में मैं ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लाल सूखी मिर्ची का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस ये तीन चीज़ें मैं तड़का लगाती हूँ, उसके बाद मैं दाल पकाने के बाद नहीं भी लगाती हूँ तो मुझे चलता है, क्योंकि मैं तड़का शुरू में ही लगा लेती हूँ ये दाल में, तो बस आप चाहे तो लगा सकते हैं। और इसमें मैं सबसे पहले जो तड़के का सामान है वो मैं ऐड कर देती हूँ, और साथ ही साथ मैं कांदा भी डाल दूँगी, और कांदा मैं कच्चा पक्का हुए तक पकाऊँगी, और इसमें मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हूँ, और इसे मैं कच्चा पक्का हुए तक पकाऊँगी। जब ये हो जाएगा तो इसमें मैं सूखे मसाले डाल दूँगी जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा गर्म मसाला, वो अपना टेस्ट के हिसाब से, बस मैं इसे अच्छी तरह से भूंज लूँगी। और यहाँ मैंने टमाटर जो कट करके रखी थी उसको भी मैं ऐड कर दूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा मसाला जल्दी से भूंजे और जो टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो बस इसे मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ, और इसमें मैं अभी पालक जो मैंने कट करके रखी हूँ उसमें मैं ऐड कर दूँगी, और ऐड करने के बाद मैं सिर्फ 2 मिनट तक उसे मसाले के साथ भूनना है, उसे पूरी तरह से पकाना नहीं है क्योंकि वो तो दाल में पक जाएगा, सिर्फ इसे मसाले में 2 मिनट के लिए भूनना है। तो
तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और उसे मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसमें दाल भी ऐड कर दूँगी। और ये मैं आप लोग को बोल रही, अगर आप लोग को पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरी तरह से आप लोग को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे मैंने अभी दाल भी ऐड कर दी हूँ और उसे भी मैं एक मिनट के लिए अच्छी तरह चला लेती हूँ मसालों के साथ, और अपने हिसाब से मैं उसमें पानी डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने पालक एक गड्डी है और दाल मैंने ज़्यादा ली हूँ, क्योंकि ये मेरे दो टाइम के खाना बन रहा है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा दाल ले ली हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अभी पानी डाल के रख दी हूँ और इसे मैं 3 सीटी आए तक पका लूँगी। और अब मैं बाजू में अपना जो भी चावल वगैरह वो पका लूँगी। और बस यही अभी आज की रेसिपी रहेगी, और आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे 3 सीटी हो गई है और बस मैं यहाँ पे अभी दाल बता देती हूँ आपको। ये देखिए कितनी यम्मी सी दाल बनी है। तो ये दाल मेरी गाढ़ी गाढ़ी थी, लेकिन मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा मैंने इसे पका ली हूँ, क्योंकि मुझे 2 टाइम की रखनी थी इसलिए मैंने अपने हिसाब से रखी। आप लोग को लगे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गर्मा गर्म चावल भी तैयार है, यहाँ थोड़ी दोपहर की भाजी रखी है आलू की, और ये मेरी पालक दाल भी तैयार हो गया। तो बस आज की रेसिपी मेरी यही है। तो आज मुझे रोटी बनाने की छुट्टी है, क्योंकि मेरी रोटी थी इसलिए मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। तो माशाल्लाह मेरा काम हो गया, अब मैं फ्री हो गई अपने काम से, घर का सारा काम हो गया मेरा। और बस ये आप जो किचन देख रहे हैं आप लोग, ये भी मैं पकाने के साथ ही साथ क्लीन करती रहती हूँ, इसके लिए अभी मेरा सारा काम हो गया। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए अभी मेरा खाना वाना पक गया है और मैं जा रही हूँ पंखा चालू करने, काफ़ी देर से मैं गर्म में बैठी थी। तो चलिए फिर, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, आपकी मर्ज़ी, आपको अगर अच्छा लगे तो, नहीं भी लगे तो आप देख लिया करो। तो ठीक है, चलिए फिर मैं रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।